तो नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ किरतपुरी धाम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, किरतपुरी जो है बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है, और इसी के साथ साथ उनका जो पूरा जीवन जो है यहीं पे उनका पूरा जीवन बीता और यहीं पे उनकी समाधि भी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल। तो दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और हम अभी बढ़ रहे हैं जैत खाम की तरफ। आगे जो है लगभग 160 फीट ऊंचा जैत खाम बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा जैत खाम यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों। इसको बाबा गुरु घासीदास जी का जो है प्रतीक माना जाता है, सत्य का प्रतीक। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जैत खाम यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म जो है यहीं पे गिरौदपुरी नामक गांव में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, जांजगीर चांपा ज़िले में। और उनका पूरा जीवन सत्य के रास्ते पर चलते चलते ही बीता है, और उनकी समाधि भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा गिरौदपुर में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आप पे बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल जो है इनके देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हम दोस्तों जैत खाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी ये बंदर पहुँचने ही वाले हैं। देख सकते हैं सामने जो दिख रहा है यही जैत खाम है। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, बहुत ही ऊंचा है, सिर उठा करके देखना पड़ रहा है। चलिए यहाँ से एक चक्कर लगाते हैं। तो अभी हम चक्कर लगा चुके हैं और एक चक्कर जो है पूरा हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अंदर क्या है पता नहीं चल पा रहा है, और अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, तो हम आपको केवल बाहर बाहर से ही दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से ही दिखता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और बढ़ते हैं आगे। अभी हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से, और अभी हम चलेंगे बाबा की जो समाधि है उस तरफ, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे चरण कुंड और अमृत कुंड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। अंदर जाने से पहले दोस्तों, यहाँ पर जो है जूते उतार करके अंदर जाते हैं, और देख सकते हैं सामने बड़ी सी घंटी लगी हुई है, बजाने की कोशिश करते हैं। ये आया हाथ में। हो गया भाई, हो गया, बस कर। बहुत ही भीड़ लगी हुई है। आइए दोस्तों, इधर से चलते हैं, कुछ सूचना दिया हो गया है आपने।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, और हम काफ़ी देर लाइन में लगे भी हुए थे, लेकिन हमें दर्शन नहीं होने के कारण हम लोग लाइन से बाहर आ गए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, भीड़ के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सामने ही बाबा गुरु घासीदास का जो है और दोस्तों यहाँ पे है उनकी समाधि। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चावल चढ़ाया जाता है और दीप जलाया जाता है। यहाँ पे क्या है भाई, चलो देखते हैं। ऊपर से कुछ इस तरह से नजारा दिखता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे किनारे पे देख पा रहे हैं आप जैद खाम, जहाँ से हम अपन पहले हो चुके हैं, जहाँ से हम अभी आए हैं, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेड़ों पे नारियल को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर बांधा जाता है और अपनी मन्नतें मांगी जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोग यहाँ पर नारियल को कपड़े में लपेट करके बांध देते हैं, श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर नारियल बांधने से मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अभी हम चल रहे हैं चरण कुंड और अमृत कुंड की तरफ, चलिए दोस्तों चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे चरण कुंड के पास। और यहाँ सामने में ही चरण कुंड है। कहा जाता है दोस्तों कि इस चरण कुंड का जल जो है कभी भी नहीं सूखता, हमेशा इसमें जल का स्तर बना रहता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं अपने साथ यहाँ से जल भर करके ले जाते हैं। इस चरण कुंड का जल जो है काफ़ी लाभदायक है और रोग मुक्त करने में भी सहायक होता है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, चलिए एक चक्कर लगाते हैं। चरण कुंड, यहाँ पर लिखा हुआ चरण कुंड, वाह बढ़िया नज़ारा है, काफ़ी शानदार नज़ारा है। चरण कुंड का पानी तो बिल्कुल ही निर्मल स्वच्छ नज़र आ रहा है, और ऐसी मान्यता है कि ये गंगा जल के समान पवित्र होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अमृत कुंड की तरफ।
तो काफ़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अमृत कुंड के पास। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पंथी कीर्त का जो है भजन यहाँ पे चल रहा है। और इस तरफ है अमृत कुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दाहिने तरफ अमृत कुंड लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है अमृत कुंड। इसमें भी जल भरा होता है और लोगों में इस जल का वितरण किया जाता है। इस जल को भी पवित्र माना गया है। गंगा जल के समान यह भी जल पवित्र होता है और इसे लोग अपने साथ ले जा करके अपने घरों में रखते हैं। यहाँ दोस्तों जैत खाम बना हुआ है छोटा सा। और यही है अमृत कुंड। और यहाँ बाएं तरफ भी शायद कुछ मंदिर है। चलिए देखते हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। देखने की कोशिश करते हैं यहाँ ऊपर से।